तो गाइस अगर आपको भी स्टोरेज प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको करना कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट मेरे अपने फ़ोन में जैसे बता रहा हूँ उसको फॉलो करना, और उससे आपका स्टोरेज में प्रॉब्लम जो भी आ रहा है वो आपको खाली होने का ज़्यादा संभावना हो सकता है या नहीं हो रहा है, तो इससे पहले वाले वीडियो में ये मैं अपलोड करके रखा हूँ, उससे भी आप जाके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसमें बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो आपको सबसे पहले फ़ोटोज़ में आ जाना है। फ़ोटो में आने का कोई, जैसे कि आपको बहुत सारे फ़ोटोज़ यहाँ पर, मैं डोंट बैकअप करता हूँ, यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़ोटो यहाँ पर डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद फिर भी आपके स्टोरेज खाली नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा, तो वो चीज़ अभी मैं इस वीडियो में पॉइंट बताने वाला हूँ। आपको लाइब्रेरी में जाना, लाइब्रेरी में आपको कोई बिन मिल जाएगा, बिन में ही आपका जितने भी स्टोरेज है वो डिलीट नहीं होते, वो स्टोरेज में आ जाते हैं, सॉरी रिसाइकिल बिन में आ जाता है। यहाँ पे वो लैपटॉप कंप्यूटर यूज करे तो उसमें रिसाइकिल बिन होता है, और कोई भी अगर थर्ड पार्टी ऐप यूज करे तो उसमें भी रिसाइकिल बिन ही ऑप्शन रहेगा, और फोन में यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बिन का ऑप्शन मिलेगा, जो जिसको रिसाइकिल बिन की तरह ही वर्क करता है, उसका शॉर्ट फॉर्म है बस। आपको यहाँ से भी डिलीट करना होगा सभी चीज़। डिलीट करने के बाद ये आपके फ़ोन में अब स्टोरेज का प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएगा, और यहाँ से आपके जितने भी स्टोरेज है वो खाली होते चले जाएंगे। कभी कभी नहीं होता रहता है, तो कोई रीज़न बस नहीं होता रहता है, लेकिन ये इजी तरीका है, और इस तरह आप यहाँ से खाली कर सकते हैं अपने स्टोरेज प्रॉब्लम को। तो गाइस से ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।